प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो साल में सिर्फ एक दिन ही मनुष्य के दर्शन के लिए खुलते हैं। इस मंदिर का नाम बंसी नारायण मंदिर नाम से विख्यात है। मंदिर चमोली गढ़वाल में स्थित है। मानता है कि इस मंदिर में देवर्षि नारद 364 दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर मनुष्य को पूजा करने का अधिकार सिर्फ एक दिन के लिए ही है। एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह उनके द्वारपाल बने। भगवान विष्णु ने राजा बलि के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और वह राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के कई दिनों तक दर्शन न होने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई और वह नारद मुनि के पास गई। नारद मुनि के पास पहुंचकर उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ पर है, जिसके बाद नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को बताया कि वह अभी पाताल लोक में हैं और द्वारपाल बने हुए हैं। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि आप श्रावण मास की पूर्णिमा को पाताल लोक में जाएं और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि से वापस उन्हें मांग ले। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे पाताल लोक जाने का रास्ता नहीं पता, क्या मेरे साथ पाताल लोक चलेंगे? इस पर उन्होंने माता लक्ष्मी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और नारद मुनि के साथ माँ लक्ष्मी पाताल लोक को गए, जिसके बाद नारद मुनि की अनुपस्थिति में कलगोठ गांव के जार पुजारी ने बंसी नारायण की पूजा की। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन के दिन कलगोठ गांव के प्रत्येक घर से भगवान नारायण के लिए मक्खन आता है। इसी मक्खन से वहां पर प्रसाद तैयार होता है। भगवान बंसी नारायण की फुलवारी में कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। इस मंदिर में श्रावण पूर्णिमा पर भगवान नारायण का श्रृंगार भी होता है। इसके बाद गांव के लोग भगवान नारायण को रक्षा सूत्र बांधते हैं। मंदिर में ठाकुर जाति के ही पुजारी होते हैं और कातुरी शैली में बने 10 फीट ऊंचे इस मंदिर का गर्भ भी वर्गाकार है, जहां भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की प्रतिमा में भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों के ही दर्शन होते हैं। बंसी नारायण मंदिर में भगवान गणेश और वन देवियों की मूर्ति भी मौजूद है। तो बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।